जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने फ़ोन में LR से किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। LR यानी कि लाइट रूम आपको पता है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी भाई को नहीं आती एडिटिंग करना। किसी की ब्राइटनेस तेज़ हो जाती है, किसी की मतलब कुछ तेज़ हो जाती है, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। मतलब कभी ब्राइटनेस तेज़ हो गई, कभी सैचुरेट ऑन हो गई, इस वजह से ना काफ़ी लोग परेशान हैं कि यार हम लाइट रूम से एडिटिंग नहीं कर सकते। और सोचने की बात यह है कि लाइट रूम से बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा, आईफोन से भी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फ़िल्टर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को साथ दबा दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में चले जाना है, लाइट रूम ऐप को डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपके सामने है, ठीक है। आइकन इसका देख लें, लाइट रूम को आपने ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी फ़ोटो की हुई हैं एडिट, तो इस वजह से आ रही है, लेकिन आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। जैसे ही गैलरी में जाएंगे तो कोई भी आपने पिक्चर ले लेनी है, नहीं ये अपनी पिक्चर ले ली है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं एडिटिंग। आपने ये जो नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूल है, ये देखें बहुत ज़्यादा टूल है, लाइट और ऑटो प्रीसेट, क्रॉप, हेलिंग, मेसिंग, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे इफ़ेक्ट, कलर बहुत ज़्यादा। अब आपको नहीं पता यहाँ से कैसे एडिटिंग होगी, तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक इफ़ेक्ट की कॉपी करके रखा हुआ है। एक है कॉपी सेटिंग, एक है पेस्ट, ठीक है। यानी कि कॉपी जो मैंने की है वो, और अब जो मैं पेस्ट करने लगूँ वो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है आपके सामने, कॉपी और पेस्ट। अब मैं पेस्ट के बटन को दबाता हूँ और आप मेरी जो ये अभी की पिक्चर है ये आप देख लें, और पेस्ट करने के बाद की देख कर लें। ये देखें, सिर्फ मैंने पेस्ट की है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की एडिटिंग हो गई है। ये देखिए आईफोन जैसी बिल्कुल एडिटिंग हो गई है, आईफोन की भी कमाल नहीं होती होगी इतनी जितनी इसने कर दी है। देखिए, और इसके अलावा मज़ीद फ़िल्टर हैं उसके अंदर हज़ारों की तादाद में। जानना चाहते हैं कि अगर मैंने कहाँ से लिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखा दूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब मैं आपको पहले की पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें पहले की, ठीक है, और ये अब की देखें, कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया, ठीक है ना। और डाउनलोड आपने करना तो ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेव कॉपी टू डिवाइस। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखें सेव कॉपी टू डिवाइस। अब आपके सामने मैंने कोई भी इसके अंदर इफ़ेक्ट यानी कि कोई सेटिंग नहीं की, सिर्फ कॉपी पेस्ट की है, जस्ट कॉपी पेस्ट आपके सामने है। कोई मैंने आपको ये नहीं कहा ब्राइटनेस 39 रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि इसके अंदर आपने इतनी रखनी है, जस्ट मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट और आपके सामने पिक्चर है किस तरीके की बन गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।